तौसीफ सलीम खान साहब सलीम गिमी होरां दे बेटे पेशे दे एतबार नाल मकैनिकल इंजीनियर ने पिछले 20 वर्या तो कैनेडा टोरंटो च मुकीम ने ते उन्हां दी शक्ल गिमी साहब नाल भी काफ़ी मिलती है, बल्कि कई लोग इन्हां नूं यही आखदे सन कि ये गिमी साहब दे भाई ने। ते उन्हां नूं बिनती है कि वह आके अपनियां यादां सांझियां करन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम खान गिमी का छोटा पुत्र, ते मैं अपनी जाती जेड़े तजर्बात ने अब्बा जी के नाल जेड़े वक्त गुजरिया दा वो तुहाडे नाल सांझी करांगा। ते अब्बा जी बड़े मिलनसार बड़े मुहब्बत करने वाले वालद सन, उन्होंने सानू बड़ी मुहब्बत नाल पालिया। नॉर्मली जिहड़े वालदैन हुंदे ने उह बच्चिआं नूं इंस्ट्रक्शन दिंदे ने, बाज़ औकात झिड़कदे ने, बाज़ औकात गाइड करदे ने, बाज़ औकात प्यार करदे ने। ते अब्बा जी ने सानूं कदी किसे गल दे उत्ते सख्ती नहीं कीती, हमेशा प्यार दे नाल और दोस्ताना माहौल दे विच उह साडे नाल डिस्कशन करदे सी। ते जदों असी छोटे सी ते असी उन्हां दे नाल बैठ के ड्रामे भी देखते सी, ते ओ साडे नाल ड्रामे दे करैक्टर्स भी कई बार डिस्कस करते सी। कोई पॉलिटिक्स दे उत्ते कोई गल हुंदी सी, न्यूज़ जदों असी देखते सी ते ओ न्यूज़ दे उत्ते भी साडे कमेंट्स लैंदे सी, अपने कमेंट्स दिंदे सी। कई बारी वो कोई नावल लिख रहे होंदे सी, कोई शॉर्ट स्टोरी अपनी लिख रहे होंदे सी, ते उहदे विच अम्मी जी दे नाल डिस्कस करदे सी, क्योंकि अम्मी जी दा बैकग्राउंड पिंड दा सी और विजडम सी उहनां दे विच। फिर असी वो देखदे सी, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग दा स्टूडेंट रहा ते मैं देखना कि मेरे अंदर जिहड़ी अदब दी कोई गल है, कोई ड्रामे की कोई गल है, वो सारी घर दे विच जिहड़ा एक माहौल सी उहदी वजह नाल है। और अब्बा जी दे बहुत सी बड़िया कहानियां बड़िया नावल वो प्रूफ रीडिंग लई जदों आंदे सी या वो अपने आर्टिकल भी लिखते सी, सियारा डाइजेस्ट उन्होंने रेगुलर आर्टिकल आते सी। मैं याद है कि रिवाज गार्डन दे विच सियारा डाइजेस्ट दे विच जांदे सी ते मैं उन्होंने लैके जांदा सी। मतलब घर दे विच मैनू यह एजाज हासिल है कि अब्बा जी नू अब्बा जी का ड्राइवर बन के मैं जांदा हुंदा सी। मैं याद है अमरूद अखबार जांदे सी ते मैं नाल उन्होंने लैके जांदा सी। उहदे बाद उन्हां दे जिहड़े सियारा डाइजेस्ट जांदे सी ते उत्थे मैनूं याद है कि बड़ी कड़वी चाह पीण नूं मिलदी सी, मैनूं अजे भी याद है। उहदे बाद फिर वह जिस तरह है ने फखरदमान साहब माल्टाउन आंदे सी, मैं उत्थे उन्हां नूं लैके जांदा सी। उहदे बाद कई बार जो मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पढ़ता सी तो मेरे दोस्त कहते क्लास फैलो और यार तेरे तो अब्बा जी रेडियो च ने तो असी रिकॉर्डिंग देखनी है। मैं फिर उन्होंने अब्बा जी को पुछता सी, अब्बा जी मैं दोस्तों लैके आना, कहते ठीक है लाया। तो कई बार हों 10-10, 12-12, 15-15 मेरे क्लास फैलो आ जाते सी, तो वह फिर रिकॉर्डिंग होंगी सी तो सानू प्रोड्यूसर के कमरे च कि इतों देख लो सामने शीशा लगे हों। तो वह कई बार यह हों जिस तरह सरिया खानम की रिकॉर्डिंग है तो वह शरारती मुंडे भी होंगे सी इंज इंज करके अगे हो के देखना चाहते थे, तो इस तरह भी हों। फिर कई बार अब्बा जी सब मनू अलमरा आर्ट्स कौंसल दे डायरैक्टर होंगे सी, अपना चौधरी साहब मेरे ख्याल नदीर चौधरी साहब से कोई यह ना से चौधरी साहब उन्होंने कहें, तो अब्बा जी कहते थे कि चल फिर उत्थे चलीए तेन पास चाहिए ने। तो वह फिर जो जाना तो उन्होंने कहना कि सब किधर आए हो, तो वह कहते थे कि यह मेरा बेटा है तो ये जो दोस्त ने पास ड्रामा देखना चाहते हैं तो पास चाहिए ने, चाह शाह असी पीनी। तो फिर वो मैं याद है अलहमरा दे विच दो तरह के पास दिते जाते थे,
एक जिद ते टैक्स दिता जाता सी, एक जिद ते टैक्स नहीं सी दिता जाता। तो मैं जो भी पास लगा सी वो टैक्स तो बगैर ही लगा, क्योंकि असी स्टूडेंट सी असी तो फिर टैक्स नहीं ना देना हुंदा सी। हाँ जी, तो उसके बाद मेरिया यादा जड़िया ने सिफतुल हसन बैगम साहब अंकल वो घर बना दे जाते जेडे सिर ते ठाठा जिहा बन के रखते सी। उसके बाद अंकल आसफ खान संत नगर च उन्होंने घर जाना आना, उन्होंने मझ रखी दी थी, वो चाह बड़ी अच्छी बुलाते सी। उसके बाद फखरुजमान साहब को मालटो उ भी मैं अब्बा जी लैके जाता रहा। तो इस तरह जो हमने जिक्र किया कि मेरी शक्कर रलती है अब्बा जी के नाल, तो एक बार इतफाक आया कि मैं रेडियो स्टेशन गया, मैं यूनिवर्सिटी तो जो आना कोई काम होना तो मैं रेडियो स्टेशन चले जाना। मैं उत्थे गया तो थोड़ी देर मैं बैठे अपना अब्बा जी काम कर रहे थे, अब कहने कि तू अंदर चले जाओ रिकॉर्डिंग होंगी भी है तो रिहर्सल हो रही है चले जाता। मैं ठीक है, आहंग अखबार वो जो मैगजीन हों मैं अब्बा जी के कमरे देख रहा सी, वो मैं फड़ के अंदर चला गया। तो उत्थे आरफा सिद्दीकी की रिहर्सल हो रही थी, मैं देखता रहा थोड़ी देर। उसके बाद मैं जिथे रिकॉर्डिंग हो रही थी मैं उत्थे ही बैठा था, फिर देख के तो फिर मैं वो आहंग देखने लग पाया मैगजीन। थोड़ी देर बाद फिर मैं आ गई अब्बा जी के कमरे, तो अब्बा जी ने रात को आके दसिया कि जोड़ा उत्थे मौसीकार से या प्रोड्यूसर से वो कह रहा है मौसीकार कि गिम साहब तुहाड़ा बेटा आया सी, ते वो थोड़ी देर ही उन्हें दिलचस्पी ली, बाद चे ते वो मैगजीन ही देखता रहा। तो इस तरह भी हुंदा सी। मैनू यह भी याद है कि कोयटे अब्बा जी की पोस्टिंग सी, उदों मैं काफ़ी छोटा हुंदा सी, ते उदों कमर अली अब्बासी साहब मरहूम कराची बड़ा वड्डा नाम है रेडियो का, अदब का, अदब का बड़ा नाम उर्दू अदब का, तो वह उदों यंग हुंदे सी। ते मैं उत्थे चला गया तो वह हुण ना कोई ड्रामे दी रिहर्सल हो रही सी, तो उन्होंने शरारत नाल ना मैनू कहा बेटा इनमें से कौन सी लड़की आपको पसंद है आपकी उससे शादी करा दे। ते मैं उन्होंने अगर जवाब दिता, मैं कहा अंकल मैं तो छोटा हूँ तो आपकी एज इनके साथ ठीक है आप कर लें। उन्होंने यह गल अब्बा जी ने बाद दसी तो बड़ा हादसा पिया। तो यह जी बड़िया यादा ने। मैनू याद है कि उस्ताद दामन साहब टकसाली दे जोड़ा है उत्थे मैं अब्बा जी लै गया, वो कमरा जोड़ा सी वो बड़े दरवेश मनश बंदे सी, सादा बंदे, तो उन्होंने कहा कि मैं किधर आया की चल रहा है, तो इस तरह दल। तो अब्बा जी की जिंदगी दे वेच शायर भी सी, अदीब भी सी, सिंगर भी सी, पॉलिटिशियन भी सी, वरायटी ऑफ पीपल सब सी। तो बड़ी सादगी नाल बड़े कंफर्टेबल अंदाज दे वेच उन्होंने मिलते होंगे सी। तो यहोजा वालद बहुत लकी लोगों मिल रहा। तो दूसरी गल है वह कि असी छे भैन भाई हैं, तीन भैन छोटिया ने, तीन भाई असी वड्डे हैं। तो साढ़े जड़े ने पढ़े लिखे तो है ही ने, लेकिन अब्बा जी दे काम नू अगे करन दा जड़ा शर्फ है वो शगुफ्ता नू ही मिलिया है। तो मैं ते भाई जन ने प्रोफेसर साहब ने असी इन्हां भैनों की ड्यूटी तो बड़ी दिती है, स्कूल छड के आना लै के आना, लाहौर कॉलेज छड के आना लै के आना, तो ज़्यादा ड्यूटी मैं दिती है। तो इन्हें जिस तरह तकरीर च हिस्सा लेंदी सी, रेडियो के प्रोग्राम करते सी, टीवी भी करते सी, तो हुण जिस तरह है उत्थे कर रही है नजम फैलोज़ दे नाल जड़ा प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया, मैं नजम फैलोज़ का भी शुक्रिया अदा करना, ताड़ी सारी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना, तो गिमी टीवी की टीम का शुक्रिया, शगुफ्ता का खास तौर पर कि असी वड्डे हैं, असी वो तीन भरा नहीं काम कर सके जड़ा तू कर रही है, और सानू तेरे ते फखर है। अल्लाह ताला तैनू कामयाबी दे
ते अब्बा जी का नाम होर रोशन तू करे। थैंक यू वेरी मच। तौसीफ सलीम खान साहब ने अपनिया बचपन दियाँ अपनी जवानी दियाँ गिमी साहब नाल यादा शेयर कीतियाँ। वाकई ये पक्ष भी सामने आने चाहिए ने, क्योंकि आवाम सामने तो सिर्फ उन्हों का अदबी हुंदा है, तो यह महफलां करन दा मकसद भी यही हुंदा है कि वह घर च क्या घर च भी अदीब ही सन या वालद सन या दोस्त सन, ये चीज़ा भी सामने आनिया चाहिए। तो बहुत अच्छा जानकारी दी।